हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया के आउटर लेयर के बारे में। बैक्टीरियल सेल जो है ना, उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो थ्री लेयर में डिवाइडेड होते हैं, थ्री पार्ट्स में होते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहर वाला लेयर जो है वो कैप्सूल कहलाता है, या फिर उसे स्लाइम लेयर या फिर ग्लाइकोकैलिक्स भी कह सकते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया में ये अलग अलग कैप्सूल, स्लाइम लेयर और ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन सेम होता है बट ये स्ट्रक्चरली थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट लेयर जो है वो है सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल। और थर्ड लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीन लेयर हैं, बट आज हम डिस्कस करेंगे ओनली स्लाइम लेयर, कैप्सूल एंड ग्लाइकोकैलिक्स को। नेक्स्ट वीडियो में सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्लाइम लेयर, जहां पे स्ट्रक्चर है स्लाइम लेयर का कैप्सिड, या फिर इसे कैप्सूल भी कह सकते हैं। जो स्लाइम लेयर होता है ना बैक्टीरियल सेल का, तो बैक्टीरियल सेल जो है कुछ कंपोनेंट सिक्रीट करते हैं जो कि बिना शेप का होता है, जिसका कोई शेप नहीं होता है। जैसा आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये बैक्टीरियल सेल है और इसके बाहर का ये जो आउटर कवर है जो कि स्लाइम लेयर है, ये स्लाइमी होता है बट इसका कोई शेप नहीं है, ये ढंग से अरेंज नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। और जिन बैक्टीरिया में ये स्लाइम लेयर प्रेजेंट होते हैं आउटर कवरिंग के रूप में, उस बैक्टीरिया का एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, ल्यूकोनॉनस्टॉक बैक्टीरिया। एंड जो कैप्सूल और स्लाइम लेयर में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ये जो कैप्सूल है वो शार्पली डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बैक्टीरियल सेल है और ये जो इसकी आउटर कवरिंग है ये शेप्ड में है, प्रॉपर शेप्ड है और ये प्रॉपरली सेल को कवर किए हुए हैं। इसके एग्जाम्पल हैं न्यूमोकोकस। जो कैप्सूल्स होते हैं वो 0.2 माइक्रोमीटर विड्थ में होते हैं। इसके अलावा जो कैप्सूल्स हैं वो टू टाइप के हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल जो है वो ट्रू कैप्सूल भी कहते हैं, ये जो है ये ट्रू कैप्सूल है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें जो कैप्सूल्स होते हैं ना वो बहुत नैरो फॉर्म में होते हैं, जिसको माइक्रो कैप्सूल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया, जिनमें माइक्रो कैप्सूल पाया जाता है, जो थोड़े नैरो होते हैं ट्रू कैप्सूल से। इनका जो लेयर होता है ना, या फिर कैप्सूल कह दें या फिर स्लाइम लेयर, इनका जो लेयर है वो पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है मोस्टली, बट ओकेशनली ये पॉलीपेप्टाइड का भी बना हुआ होता है। और ये जो कैप्सूल होते हैं वो 2% सॉलिड एंड 98% वाटर को कंसिस्ट करके रखते हैं। एंड इनका जो सॉलिड पोर्शन होता है जो पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है, या ये कह सकते हैं कि इनका जो सॉलिड पोर्शन होता है वो उनमें पॉलीसैकेराइड होते हैं, जैसे एग्जांपल में न्यूमोकोकस हो गए। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके सॉलिड पोर्शन में हाइलुरोनिक एसिड होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस। एंड ये जो लेयर है कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर, ये बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, वहाँ के जो आसपास के एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है उनसे उसे प्रोटेक्ट करता है। साथ ही ये जो एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे बैक्टीरियोफेजेस, एंजाइम एक्सेट्रा, उनसे भी बैक्टीरियल सेल को ये प्रोटेक्ट करता है। देन नेक्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स भी
कुछ इसी तरीके का होता है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर हाइग्रोस्कोपिक नेटवर्क है पॉलीसेक्राइड्स का। ये भी पॉलीसेक्राइड के बने हुए होते हैं, जैसे कैप्सूल और स्लाइम लेयर बने हुए होते हैं, और बट ओकेशनली ये पॉलीपेप्टाइड के बने हुए होते हैं। जैसे इनमें ये कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर में पॉलीपेप्टाइड के बने हुए होते हैं वो ओकेशनली, बट ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर एक और कंडीशन आती है जहां पे ये कभी कभी क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसैकेराइड दोनों के मिक्सचर से इनके जो आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे वो बने हुए होते हैं। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इनके केमिकल कंपोनेंट जो हैं वो सेल के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं। जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनसे ये सिंथेसाइज होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के सेल वॉल तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, देन फाइनली ये सेल के आउटर साइड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। और एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर आउटर कवरिंग फॉर्म करते हैं। इनके जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के, वो उनमें शुगर जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, रैमिनोज या फिर शुगर एसिड जैसे कि ग्लूकोरोनिक एसिड एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले कि इनका सबसे मेन फंक्शन होता है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, बट इसके अलावा इनका एक और फंक्शन होता है कि ये किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के सरफेस में अटैच हो सकते हैं, ये एक्वास मीडियम में भी या फिर एनिमल और प्लांट के जो टिश्यू सरफेस होते हैं वहां पे भी ये इन्हीं कैप्सूल्स की वजह से ही अटैच्ड हो पाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एक स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स हैं ये जो तित होते हैं ना दांत उनमें कैरी होते हैं, उनके साथ ये एसोसिएट होते हैं दांत जो तित हैं उनके साथ। तो क्या होता है कि इनमें जो कैप्सूल प्रेजेंट होता है, सॉरी कैप्सूल नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है इनके आउटर लेयर के रूप में, ये ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से जो डेंटल सरफेस होता है उनसे अटैच्ड हो जाते हैं। और इनके जो ग्लाइकोकैलिक्स हैं वो वाटर सेल्यूबल पॉलीमर एंड ग्लूकन को कंसिस्ट करके रखते हैं। Thanks for watching my video, guys.